हेलो, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो अपडेट आप देखें सबसे पहले। हाँ जी, क्या हाल चाल आप सभी के, मैं आपका दोस्त अनस पठान दोबारा आ गए वीडियो के साथ। तो आज आप देख रहे हो कि हम बाहर आए हैं और बाहर जब भी आते हैं कुछ खुराफाती होता है। तो आज हम लेके आए हैं ये ग्लास, स्टील का ग्लास है, बहुत थोड़ा मजबूत सा ग्लास है और ये है अनार। और इसके साथ हम क्या करेंगे तो वो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। सो ये नॉर्मल स्टील का गिलास है जैसे कि आपके घरों में भी होते हैं, और ये अनार। तो हम अनार में देखना चाह रहे थे कि अनार, क्या अनार स्टील के गिलास को ये पिघला पाता है या नहीं, क्योंकि अनार में से जो हीट निकलती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और बस हमें यही चेक करना है इतनी हीट होती है क्या ये स्टील के गिलास को पिघला देगा या नहीं। तो उसके लिए हम बाहर आए हैं और अब इसको जला के देखते हैं, और आपको भी देखो, आप भी पूरी वीडियो लास्ट तक। तो आइए, तो आपने देखा कि गिलास जो था हमारा अनार ने पिघला दिया। और अनार में पता है आपको कितनी हीट होती है, एक स्टील के गिलास को या स्टील की किसी चीज़ को पिघलाने के लिए हमें चाहिए होती है 1200 से लेके 1500 सेंटीग्रेड तक, और अनार में इतनी होती है हीट कि उसने गिलास पिघला दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ठंडा हो गया होगा, तो ठंडा हो गया है जैसे कि आप ये देख सकते हैं, पूरा इसने नीचे से हमारा ये जो बेस था इसका वो पूरा पिघला दिया। मैं पास आके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये पूरा एकदम छेद हो चुका है, मैं आर पार देख पा रहा हूँ। सो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में ऐसे आइडियाज़ देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, और ऐसा कुछ आप घर पे ट्राई मत करना।